क्योंकि कैसा होता है, कोई भी चीज़ बनने से पहले, होने से पहले इम्पॉसिबल, हार्ड लगती है, लेकिन जब हम एक प्रॉपर मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि इसके लिए कोई आपको पेड बैच ही ज्वाइन करनी है, ऐसा नहीं होता कि आपको ऑफलाइन क्लास में ही जाना है, बड़े बड़े क्लासेस हमें लगाने हैं। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके भी ये एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। एक लास्ट बायो का पेपर था और एक आखिरी एक होप थी कि सर बायो के पेपर में अच्छा स्कोर आ जाए, ये आपकी एक आखिरी होप थी। जो बीच में हमें 3 दिन मिले थे, चौथे दिन में हमारा पेपर था, तो उस 3 दिन को अच्छे से हमने यूटिलाइज्ड किया, साथ मिलकर हमने हार्ड वर्क किया, हमने लाइव सेशंस अरेंज किए, आपने उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रतिसाद दिया, और हम सब ने मिलकर हमारे पेपर को 6 मार्च 2024 का जो बायोलॉजी का पेपर हुआ उसमें अच्छा स्कोर लाया। 4 तारीख को आपको नहीं लग रहा था कि बायो में अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन नहीं, हार्डवर्क अगर हम करते हैं, एक दूसरे की साथ अगर हम देते हैं, तो हमारा स्कोर आ सकता है, ये रियलिटी मैं आपको बताना चाहता। अब इसके बाद एमएसटी सीईटी एग्जाम है, सिर्फ 40 दिन का समय है, क्या करेंगे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो जो स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, जो स्टूडेंट्स नहीं देना चाहते वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम में बहुत पावर है, ये आपके पैसों को बचा सकती है, ये आपके टाइम को बचा सकती है, और इसमें आप अच्छा स्कोर लाके आपका जो बोर्ड का परसेंटेज जो कम आया है उसको सुधार सकते हो। मतलब ये बोलूँगा कि ये सेकंड चांस आपको मिल सकता है अगर आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हो तो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर सोचे कि अगले 40 दिन के अंदर मुझे रात दिन एक कर देना है, इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे, कोई अदर डिस्ट्रैक्शंस कम कर देंगे, सर अब तक तो हमने मेहनत की सर, अब सिर्फ 40 दिन, ये 40 दिन होने के बाद जो है उसके बाद अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसमें बाकी सारे फंक्शंस होंगे और उसके बाद उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा सर, लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो सर नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, आपको पता है हम सबका बैकग्राउंड नॉर्मल है, और ये शिक्षण व्यवस्था 2 लोगों के लिए होती है, 2 लोगों के लिए बनी है, एक विद्वान और एक धनवान। तो अपने पास धन तो नहीं है, पैसा नहीं है, तो दूसरा ही एक रास्ता हमारे लिए बचता है, वो है विद्वान बनने का, और मुझे लगता है कि ये रास्ते पे हमें चलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट नहीं होता मेहनत के लिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप ये सपना देख सकते हो कि मेरा कॉलेज में अच्छा एडमिशन ज़रूर होगा अगर मैंने उसको किया तो। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर ही आपका एमएसटी सीईटी जो है वो डिपेंड है, सिर्फ एमएसटी सीईटी में जो है वो क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएंगे, बात खत्म, सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, और थ्योरी से भी ज़्यादा एमसीक्यू होता है सॉल्व करना हार्ड, क्योंकि चारों भी एमसीक्यू के जो ऑप्शंस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं करनी पड़ती, उसमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से की, पूरी अगर मन लगा के की तो हो जाएगा। देखो, हमने जो बायोलॉजी के आईएमपी दिए थे, रिवीजन वीडियो दिए थे, वो हजारों बच्चों ने देखे, लेकिन जिसने फॉलो किया, जिसने ट्रस्ट किया इस चीज़ के ऊपर कि नहीं हो सकता है अगर मैं करता हूँ तो, ये ट्रस्ट, ये होप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ होप पे चालू है, बाकी तो कल की गारंटी नहीं, लेकिन होप है सर कि जीवन में बड़ा करेंगे, तो इस होप के लिए हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि सर कल की गारंटी नहीं है तो क्या सर आज क्यों हार्डवर्क करेंगे, नहीं, तो ये चीज़ समझनी है। ये एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम आपका सपना पूरा कर सकती है, नहीं दी तो एडमिशन होगा ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कुछ भी कितने भी पैसे दे दो आप एडमिशन ही नहीं होगा आपका। दूसरी चीज़, एमएसटी सीईटी में स्कोर कम आया, आपका नंबर नहीं लगा, तो फिर बाद में आपको डोनेशन देना पड़ेगा, और डोनेशन वाली जो चीज़ होती है तो हमसे भी पावरफुल लोग जो है वहाँ पे खड़े होते हैं, तो उधर हम कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो उस मैदान पे हम जीत ही नहीं पाएंगे। हमारा मैदान आज है, आज मेहनत करेंगे, आज अपने घर के अंदर अगर खुद को हम 40 दिनों के लिए बांध अगर लेते हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स के ऊपर अगर ट्रस्ट करते हैं, अगर हम किसी टीचर को अच्छे से फॉलो करते हैं और उसके लेक्चर देखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ जुड़ना है, आपको कॉल करना है, आपको बात करनी है, आपको प्रॉब्लम शेयर करने हैं, लेकिन ये चीज़ आपको करनी है, और करनी है, करेंगे, कर लेंगे, देखेंगे, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। मैं चाहता हूँ हम कर लेंगे नहीं, करेंगे, साथ मिलके करेंगे। मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूँ मुझे आप बताइए, नीचे नंबर है, आपकी क्या प्रॉब्लम है
ठीक है, सीईटी में आप कैसे स्कोर अच्छा ला सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हमने बैच भी लॉन्च किया है, वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो सीईटी के अंदर। उधर स्टडी मटेरियल भी हमने ऑलरेडी काम किया है 4-5 महीनों के अंदर, मतलब पहले से ही हम वो काम कर रहे थे। बाकी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा बैच ज्वाइन नहीं किया फिर भी स्कोर आ सकता है, सिर्फ आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और बैच में ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं आपको मदद नहीं करूँगा क्या? 100% आपको मदद करूँगा बैच में ज्वाइन अगर आपने नहीं किया तो भी, क्योंकि बैच में ज्वाइन आपको करके मैं लाखों रुपए कमाने नहीं वाला हूँ। जब आपका रिजल्ट आएगा तब मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे 6 तारीख को जो पेपर होने के बाद कॉल्स आए और उससे जो मज़ा आया वो अब तक कभी नहीं आया। इसी के साथ ही साथ इसी वीडियो में रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही गाइडेंस, मोटिवेशनल और सपोर्टिव सेशन के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।